अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रुमैस और आप देख रहे हैं टेक्निकल रुमैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप वीडियो फाइल का साइज कैसे कंप्रेस कर सकते हैं क्वालिटी को लूज किए बगैर। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन के बाद अब आप सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहला यहाँ पर आपने वीडियो फाइल को इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो को इंपोर्ट जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास उसका फाइल साइज आ जाता है, जो कि 541 MB मेरे केस में है। उसके बाद उसका बिटरेट आ जाता है, उसके बाद ड्यूरेशन, वीडियो फॉर्मेट, वीडियो बिटरेट, ऑडियो फॉर्मेट, ऑडियो बिटरेट, उसका विड्थ। उसके बाद आपके यहाँ पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिजायर्ड वीडियो साइज। अब यहाँ पर आपने वीडियो साइज जो है वो अपने में देख लेना है कि आपको कितना फाइल साइज यहाँ पर चाहिए। तो मैं तो भाई कोशिश करता हूँ कि मुझे मैक्सिमम साइज जितना भी कंप्रेस हो सकता है मुझे वो तमाम चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप डिजाइन वीडियो साइज को यहाँ पर मैं सिंपल 10% ऊपर जो है वो कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो फाइल साइज है वो 541 MB है, और इसका जो डिजायर्ड वीडियो साइज है वो मतलब 54.16 MB हो जाता है। और ऐसे में जो है मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन मिलता है, और आप देख सकते हैं कि कितना मतलब 10 गुना जो है वो फाइल साइज जो है वो कम हो गया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑप्शन ऑडियो क्वालिटी का। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम ऑडियो क्वालिटी सेलेक्ट करना है। अगर आप नो साउंड पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास साउंड यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कटिंग का, कि आपने जो है अगर वीडियो में से कुछ चीज़ें कट करनी है, मतलब कोई एक पार्ट आपने यहाँ पर कट करना है, तो वो भी आप वहाँ पर कट कर सकते हैं। इसकी वजह से आपने यहाँ पर सिंपल टाइम ड्यूरेशन देना होता है और आपके पास जो फाइल है वो यहाँ पर कट के आ जाता है। उसके बाद आपके पास स्केलिंग आ जाता है। अब स्केलिंग का मतलब ये है कि आप वीडियो का साइज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल कंप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। अब वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो फाइल कहाँ पर सेव करनी है, तो यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप पर कंप्रेस के नाम से सेव कर लेता हूँ। उसको सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्रेस हो चुका है, और आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है कि फाइल साइज 55.84 MB। तो यहाँ पर आपको फाइल साइज भी दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55.8 MB हमारा फाइल साइज है। तो दोस्तों, आप इस तरह बड़े ही आसानी से जो है वीडियो का फाइल साइज कंप्रेस कर सकते हैं, और आप विदाउट लूजिंग क्वालिटी ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर 10 times स्मॉलर साइज यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर यह बात आपने ध्यान में रखी है कि जितना फाइल साइज आप कम होगा तो उतना ही आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, मतलब कम टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। अगर आपका PC जो है वो पुराना है, अगर आपके पास न्यू PC है, अच्छा PC है, तो उसके ऊपर काफ़ी कम टाइम लगेगा और आपका फाइल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। आप हमारे दोस्तों हमारे वीडियो को यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। शेयरिंग के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहाँ पर हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं आपके चैनल के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह की और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के रिलेटेड आपको वीडियो भेजता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।